इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इज अ कॉर्ड ऑफ अनादर सर्कल विथ सेंटर टू कॉमा वन इज अ कॉर्ड ऑफ अनादर सर्कल विथ सेंटर टू कॉमा वन देन इट्स रेडियस इज तो उसका रेडियस बताना है इस सर्कल के डायमीटर दूसरे सर्कल की रेड वो है कॉर्ड 10 सेकेंड्स सिर्फ कैलकुलेशन का समय मिलना लगना चाहिए आपको एक प्लस चार रूट पांच है ना पांच और चार नौ तो तीन खत्म ओरली आना चाहिए था देखो इस सर्कल की जो डायमीटर है इस छोटे सर्कल की जो डायमीटर है वो बड़े सर्कल की कौन है बच्चों कॉर्ड क्लियर तो इस बड़े सर्कल का क्या निकालना था रेडियस इसका सेंटर टू कॉमा वन है इसका सेंटर 1.3 है इसका रेडियस 2 है बोलो ये रेडियस है कमॉन ये कितना है 2 कितना है ये 2.1 ये 1.3 पाइथागोरस सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूले से ये रूट 5 कितना आया तो बस पाइथागोरस से तो लगानी थी 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 4 प्लस 5 9 9 का रूट 3 इसका रेडियस क्या है तो कोई हमें वो नहीं लगाने की जरूरत है क्या कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की जरूरत नहीं उससे भी आ जाता पर यूक्लिडियन हमेशा ज्यादा आसान होता है ध्यान रखना अगर वो पकड़ में आ जाए नहीं तो क्या करते सर्कल मान लेते एक्स माइनस क्या मानते एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जल्दी बोलो और ये रहा तो इसको पहले ओपन कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई है ना पांच माइनस आर स्क्वायर जल्दी बोलो ये आ गया सर्कल yes, इन दोनों को माइनस किया क्या करा इन दोनों को क्या करा माइनस करने पे कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस फोर एक्स टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस टू वाई माइनस फोर वाई छह माइनस पांच एक प्लस आर स्क्वायर ये आ गई इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन जल्दी बोलो और ये कॉमन कॉर्ड इस सर्कल की कौन है मतलब इसका सेंटर इस पे लाई करना चाहिए तो 1.3 सेटिस्फाई करवा देते हैं तो 2 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर सॉरी प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 सो आर स्क्वायर आ रहा है 9 कितना आ रहा है तो आ गया 3 क्योंकि आर रेडियस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये भी तरीका था आया सर्कल इसका इससे सर्कल लिखा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिली कॉमन कॉर्ड इस छोटे वाले की कौन है तो उसका सेंटर इसमें इसका ये वाला मत सेटिस्फाई करवा देना इसका किसका जो गिवन था उसका सेंटर इसमें सेटिस्फाई करवा देना नेक्स्ट एक और लिखो ठीक है लिखो ये चार सर्कल्स दिए हैं इफ द सेंटर ऑफ सर्कल एम इज जॉइंड विद सेंटर ऑफ सर्कल एन एम के सेंटर को एन के सेंटर से ज्वाइन किया है एन के सेंटर को ओ के सेंटर से ज्वाइन किया है ओ के सेंटर को पी के सेंटर से ज्वाइन किया है और पी के सेंटर को एम के सेंटर से ज्वाइन किया है चारों सेंटर्स को ज्वाइन किया है तो जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है इन चारों के सेंटर को ज्वाइन करने से जो फिगर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है लंबा क्वेश्चन लिखा क्या है ये चारों ज्वाइन होकर स्क्वायर ही बन रहे हैं ना नेक्स्ट टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट 1.2
टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट 1, 2. इफ इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज और C1 पहले का सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा और C2 दूसरे का सेंटर है गामा कॉमा डेल्टा और सेंटर सेम नहीं है C1 नॉट इक्वल टू C2 क्यों दिया ऐसा क्योंकि सेम सर्कल सेम रेडियस के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी तो कर सकते थे तो भी उनकी क्या होती कॉमन टेंजेंट हो तो भी एक दूसरे को टच तो कर ही रहे इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि दोनों सर्कल्स डिफरेंट सर्कल्स है क्योंकि सेंटर्स डिफरेंट है आर देयर सेंटर्स ये सेंटर्स है तो आपसे पूछा है अब ये देखना है कितनी जल्दी आपका आंसर आता है क्वेश्चन तो आसान ही है बहुत आसान है आंसर आएगा एक लाइन को दो सर्कल्स टच कर रहे हैं इक्वल रेडियस ये पॉइंट पता है हमें 1, 2 तो यहां से फाइव डिस्टेंस पर और यहां से फाइव डिस्टेंस पर पॉइंट्स चाहिए कितना आसान है क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस माइनस r cos थीटा बोलो और y1 प्लस माइनस r sin थीटा कोई डाउट कौन यार फास्ट थीटा के लिए इसका स्लोप है -4/3 कितना है इसका स्लोप तो इसका 3/4 इसका स्लोप tan थीटा 3/4 तो cos थीटा 4/5 cos थीटा 4/5 और sin थीटा 3/5 5 का डिग्री तो 1+4 5 2+3 5 तो एक आ गया 5.5 1-4 -3 2-3 -1 तो अल्फा और बीटा इन दोनों का सम 10 गामा और डेल्टा इन दोनों का सम -4 10 × -4 -40 ऑब्वियसली ये फिर से प्रूव हो रहा है बार बार कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बहुत काम के क्या किया ये पॉइंट पता था ये डिस्टेंस पता था तो इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स चाहिए और वो डायरेक्शन जो थी वो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी तो सब कुछ ही पता था इस क्वेश्चन में तो ये बहुत ही आसान हो गया एक और 2022 का क्वेश्चन